बेस्ट स्मार्टफोन फॉर गेमिंग के लिए अंडर 8000। तो यार अगर आपको लाइक गेमिंग के लिए स्मार्टफोन चाहिए एंड अगर आपका बिल्ड 8000 इसी प्राइस रेंज की बात करेंगे तो बात करते हैं नंबर फाइव की बात करते हैं। लेकिन नंबर फाइव की बात करने से पहले भाई मैं आपको इतनी बात कह देना चाहता हूँ, लाइक आज मैं आपको स्मार्टफोन बताऊंगा 7500 के बजट रेंज में, 8000 के प्राइस रेंज में एंड 8500 के प्राइस रेंज में। इनमें से जो भी आपका प्राइस है आप उसके अकॉर्डिंग जो स्मार्टफोन ले लेना। तो स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं नंबर फाइव की बात करूँ। नंबर फाइव पर यार मैंने रखा है पोको C3 को। तो सबसे पहले अगर मैं इस स्मार्टफोन की बात करूँ, ये दो वर्ल्ड में स्मार्टफोन देखने को मिलता है 3GB रैम के साथ एंड 4GB रैम के साथ। आपको 3GB रैम वेरियंट जो है वो आपको 8000 के प्राइस रेंज में अप्रॉक्स मिल जाता है। वैसे इसका प्राइस आपको कभी कम भी देखने को मिल जाता है, 7500 के प्राइस रेंज में भी आपको देखने को मिल सकता है पोको C3 प्लस। मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये तीन कलर्स में देखने को मिलता है, ब्लू कलर में, ग्रीन कलर में एंड ब्लैक कलर में। जो भी कलर आपको सही लगता है आप उसके और जा सकते हो। आपको मीडियाटेक की ओर से प्रोसेसर मिल जाएगा जो कि 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। तो भी अगर आपने नॉर्मल सेटिंग पे गेमिंग करनी है आप नॉर्मली इजीली कर सकते हो। प्लास्टिक फ्रेम में आपको देखने को मिलेगा तो कवर डालकर ही इसको यूज़ करने पड़ेगा। ट्रिपल कैमरा मिल जाता है, 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। तो स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपको लाइक एवरेज जो है इसके स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं। तो अगर मैं इसके डिस्प्ले की बात करूँ, इसमें आपको 6.43 इंच की IPS LCD देखने को मिल जाती है। उसके बाद प्रोसेसर की बात करूँ, आपको हीलियो G35 देखने को मिल जाता है जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपको 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड देखने को मिलेगा। बैटरी मैंने 6000 लिखी है लेकिन 5000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिलती है। 10W का फास्ट चार्जर मिल जाता है, ट्रिपल कैमरा मिल जाता है, 30MP प्लस 2MP प्लस 2MP प्लस आपको 5MP की सेल्फी मिल जाती है। प्राइस की बात करूं, कभी इसका प्राइस आपको 7500 देखने को मिल जाता है, कभी इसका प्राइस आपको 8000 देखने को मिल जाता है। तो आप देख लेना अगर आपके बजट रेंज में सेट बैठता है, जब अगर आपने जाना है पोको C3 और आप जा सकते हो। अगर आपने एवरेज लाइक हाई सेटिंग पे गेमिंग नहीं करा, नॉर्मल सेटिंग पे अगर आपने गेमिंग वगैरह करनी है आप इस स्मार्टफोन पे कर सकते हो यार, नॉर्मली इजिली कर सकते हो। बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सभी के बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया, अगर आपने चाहो करने चाहूड कर सकते हो। आगे बात करते हैं नंबर फोर की बात करूँ। नंबर फोर पे यार मैंने रखा है माइक्रोमैक्स N1B को। तो सबसे पहले भाई मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपको एक नॉन चाइनीज स्मार्टफोन चाहिए या फिर अगर आपको मेड इन इंडिया स्मार्टफोन चाहिए, आपके लिए ये परफेक्ट होने वाला है। उसके बाद हम स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो ये फोन जो है दो वेरिएंट में देखने को मिलता है, 2GB रैम के साथ, 4GB रैम के साथ। स्टोरेज वेरिएंट भी आपको डिफरेंट देखने को मिलता है, प्लस आपको माइक्रो SD कार्ड भी आपको देखने को मिल जाता है। मतलब कोई स्टोरेज का तो पंगा ही नहीं रहेगा। मीडियाटेक की ओर से प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। अगर मैं इसके प्राइस रेंज की बात करूँ, आपको 8000 के बजट रेंज में माइक्रोमैक्स N1B देखने को मिल जाता है, प्लास्टिक फ्रेम में देखने को मिलता है। तो केस डालकर ही इसको यूज़ करना पड़ेगा। अभी बात करते हैं इनके मेन स्पेसिफिकेशन की। तो डिस्प्ले की बात करूँ, आपको 6.52 इंच की IPS LCD देखने को मिल जाती है। प्रोसेसर की बात करूँ, इसमें भी आपको मीडियाटेक हीलियो G35 देखने को मिल जाता है। तो भाई अगर आपने नॉर्मल सेटिंग पे गेमिंग करनी है आप इजीली नॉर्मली कर सकते हो। स्टोरेज मैंने आपको पहले भी बता दिया, 2GB रैम एंड 4GB वेड के साथ देखने को मिलता है। दो वेड आते हैं, जो भी बजट में सेट बैठता है आप उसके और जा सकते हो। बैटरी 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट करता है, 10W की आपको फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है। कैमरे की बात करूँ, आपको डुअल कैमरा देखने को मिल जाता है, 30MP प्लस 2MP। सेल्फी की बात करूँ, आपको 8MP सेल्फी मिल जाती है। प्राइस की बात करूँ, आपको 8000 के प्राइस रेंज में माइक्रोमैक्स N1B देखने को मिल जाता है। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिए माइक्रोमैक्स N1B के। तो भाई अगर आपने लाइक नॉर्मल सेटिंग पे गेमिंग करनी है, मल्टीटास्किंग करनी है, लॉन्ग बैटरी लाइफ चाहिए या मेड इन इंडिया स्मार्टफोन चाहिए, नॉन चाइनीज स्मार्टफोन चाहिए, आप सभी के लिए बेस्ट डील होने वाला है माइक्रोमैक्स N1B। आप इस स्मार्टफोन की ओर जा सकते हो, आपके लिए बेस्ट डील होने वाला है, प्लस आपको इसके साथ फिंगरप्रिंट वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, प्रोवाइड किया हुआ, अगर आपने चेकआउट करना है चेकआउट कर सकते हो। आगे बात करते हैं नंबर थ्री की बात करूँ। नंबर थ्री पे यार मैंने रखा है इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस को। तो सबसे पहले इसके स्पेसिफिकेशन की सीधी बात करते हैं तो डिस्प्ले की बात करूँ, आपको 6.82 इंच की HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। प्रोसेसर की बात करूँ, इसमें आपको हीलियो 845 देखने को मिल जाता है। स्टोरेज की बात करूँ, 3GB रैम मिल जाएगी प्लस 32GB स्टोरेज। बैटरी की बात करूँ, आपको 6000 mAh की बैटरी मिल जाती है। कैमरे की बात करूँ, आपको 30MP के साथ कैमरा मिल जाएगा। सेल्फी की बात करूँ, आपको 8MP की सेल्फी मिल जाती है। प्राइस की बात करूँ, इसका प्राइस आपको 7000 से लेकर 7500 के
के बजट रेंज में Infinix Smart 4 Plus देखने को मिल जाता है। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया Infinix Smart 4 Plus की। अगर आपने इस स्मार्टफोन की ओर जाना, आप इस स्मार्टफोन की ओर भी जा सकते हो। अगर आपको लॉन्ग बैटरी लाइफ चाहिए, फिंगरप्रिंट चाहिए, उसके साथ साथ भी अगर आपने Infinix की ओर जाना चाहते हो आप जा सकते हो। अगर आपने सिर्फ चाइल्ड करना है आप चाइल्ड भी कर सकते हो। मैं आपको कोई भी अभी तक रिकमेंड नहीं कर रहा, बिकॉज जो मैं आगे आपको फोन बताने वाला हूँ मैं रिकमेंड आपको वही करने वाला हूँ। तो आगे बात करते हैं नंबर टू की। नंबर टू की बात करूं, नंबर टू पे यार मैंने रखा है Realme Narzo 20A को। तो सबसे पहले भाई अगर मैं स्मार्टफोन की बात करूं, इसका लुक, इसका डिज़ाइन, इसके कलर वगैरह बहुत ही ज़्यादा सही है। अगर आपको लुक, डिज़ाइन, कलर वगैरह मैटर करते हैं, आपके लिए परफेक्ट डील होने वाला है Realme Narzo 20 Plus। इसमें आपको स्नैपड्रैगन की ओर से प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि 11 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। तो भाई अगर आपने गेमिंग करनी है, हाई सेटिंग पे भी अगर आप गेमिंग करना चाहते हो आप नॉर्मली इजिली कर सकते हो। मल्टीटास्किंग करनी है आपके लिए भी परफेक्ट डील होने वाला है। 3GB रैम वेरियंट जो है आपको 8500 के बजट रेंज में देखने को मिल जाता है, दो वेरियंट में देखने को मिलता है, 3GB रैम के साथ एंड 4GB रैम के साथ। आपको ट्रिपल कैमरा मिल जाता है, फेस अनलॉक वगैरह या फिंगरप्रिंट वगैरह भी आपको देखने को मिल जाता है। 5000mAh की बैटरी मिल जाती है, दो कलर्स में आता है, सिल्वर कलर में देखने को मिलेगा एंड आपको विक्टर ब्लू कलर में देखने को मिलेगा। जो भी कलर आपको सही लगता है आप उसके और जा सकते हो। मैं मेन स्पेसिफिकेशन की बात आपके साथ कर लेता हूं। डिस्प्ले की बातों को 6.5 इंच की HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। प्रोसेसर की बातों को स्नैपड्रैगन 665 देखने को मिल जाता है जो कि सच में तगड़ा प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन की ओर से। स्टोरेज की बात करूं आपको 4GB रैम मिल जाती है प्लस 64GB स्टोरेज, इसका 3GB वेरिएंट भी देखने को मिलता है, ठीक है। बैटरी की बातों को आपको 5000mAh की बैटरी मिल जाती है, रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट करता है। कैमरे की बातों को ट्रिपल कैमरा मिल जाता है 12 मेगापिक्सल के साथ, प्लस आपको 4K वीडियो ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है जो कि आप 30fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो। सेल्फी की बात करूं आपको 8 मेगापिक्सल सेल्फी मिल जाती है। प्राइस की बात करूं आपको 8000 से लेकर 8500 के बजट रेंज में Realme Narzo 20A देखने को मिल जाता है। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया Realme Narzo 20A के। तो भाई अगर आपको स्टाइलिश लुक वगैरह मैटर करती है, कलर मैटर करते हैं, लॉन्ग बैटरी लाइफ चाहिए, गेमिंग करनी है, मल्टीटास्किंग करनी है, या फिर अगर आपने 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है, भाई आपके लिए मतलब सभी के लिए परफेक्ट डील होने वाला है Realme Narzo 20A। आपके लिए बेस्ट डील है। अभी अगर आपका बजट 7000 है, 8000 है या 9000 है, आप इस स्मार्टफोन की ओर जा सकते हो जो कि सच में आपको बेस्ट डील प्रोवाइड कर देता है। Realme इस प्राइस रेंज में बहुत सही फोन जो है वो लॉन्च करता है। 4-5 फोन आते हैं Realme के जो कि सच में बेस्ट है इस प्राइस रेंज में। तो आगे बात कर लेते हैं अभी नंबर वन की। नंबर वन की बात करूं, नंबर वन पर यार मैंने रखा है Realme Narzo 30A को। तो यार Realme की ओर से बेस्ट स्मार्टफोन है इसी प्राइस रेंज में। आपको 2021 मॉडल देखने को मिल जाता है, मार्च में लॉन्च हुआ था, ठीक है। अगर मैं इसके स्पेसिफिकेशन की बात करूं, इसका भी प्रोसेसर आपको तगड़ा मिल जाता है जो कि 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है, बेस्ट है फॉर गेमिंग के लिए, ठीक है। गेमिंग भी प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है। तो भाई अगर आपने हार्डकोर गेमिंग वगैरह करनी है आपके लिए भी बेस्ट है। दो वेरिएंट में स्मार्टफोन देखने को मिलेगा, 3GB रैम के साथ, 4GB रैम के साथ। जो भी आपके प्राइस रेंज में सेट बैठते हैं आप उसके और सकते हो। फिंगरप्रिंट भी आपको मिल जाएगा, फेस अनलॉक वगैरह भी आपको नॉर्मली मिल जाते हैं। प्लस भाई अगर आपको बिग बैटरी चाहिए आपके लिए परफेक्ट डील होने वाला है, बिकॉज आपको 6000mAh की बैटरी मिल जाती है, दो कलर्स में आता है, ब्लैक एंड ब्लू कलर में, ठीक है। आपको डुअल कैमरा मिल जाता है लेकिन 4K ऑप्शन इसमें नहीं देखने को मिलता, इस चीज को आप ध्यान में रखना। बात करते हैं मेन स्पेसिफिकेशन की। तो डिस्प्ले की बात करूं आपको 6.5 इंच की IPS LCD देखने को मिल जाती है। प्रोसेसर की बात करूं आपको MediaTek Helio G85 देखने को मिल जाता है जो कि 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। बैटरी की बात करूं आपको 6000mAh की बैटरी मिल जाती है, 18W का फास्ट चार्जर मिल जाता है, रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट करता है। कैमरे की बातों को डुअल कैमरा मिल जाता है लेकिन 4K ऑप्शन नहीं मिलता, लेकिन फोटोज क्वालिटी सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी है। सेल्फी की बात करूं आपको 8 मेगापिक्सल सेल्फी मिल जाती है। स्टोरेज की बात करूं पहले भी बता दिया, दो वेरिएंट में देखने को मिलता है। प्राइस की बात करूं आपको 8500 के प्राइस रेंज में इसका जो 3GB वेरिएंट है आपको देखने को मिल जाता है। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया Realme Narzo 30A के। तो भाई अगर आपने इस स्मार्टफोन की ओर जाना है, भाई आप इस स्मार्टफोन की ओर भी जा सकते हो। स्मार्टफोन पूरा लोडेड, अगर आपको गेमिंग करनी है, मल्टीटास्किंग करनी है, स्टाइलिश लुक, कलर वगैरह मैटर करते हैं, आपके लिए परफेक्ट है। प्लस भाई अगर आपको लॉन्ग बैटरी लाइफ चाहिए, बिग बैटरी चाहिए, मतलब 6000mAh की बैटरी मिल जाती है यार आपका एक दिन तो नॉर्मली निकाल देगा। जैसे भी यूज करना चाहते हो, जितनी भी अपने हैवी फाइल पे काम वगैरह करना है, गेमिंग करनी है, भी नॉर्मली सेटिंग पे आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम इशू आपको नहीं आने वाला। सभी के बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए हुए हैं। मैं आपको ये चीज कह देना चाहता हूं आपके लिए परफेक्ट डील है। अगर आपका बजट 7000 है, 8000 है, 9000 है, आपके लिए परफेक्ट डील होने वाला है Realme Narzo 20 या Realme Narzo 30A। इन दोनों में से जो भी आपको सही लगता है आप उसके और जा सकते हो, जो कि आपके लिए ही बेस्ट डील होने वाली है। अगर आपने लॉन्ग टाइम भी फोन रखने हैं आप रख सकते हो। अभी मेरी वीडियो यार यही
यहीं पर हो जाती है खत्म। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों को भेज देना, दोस्तों के भी दोस्तों को भेज देना, उनको भी कह देना कि चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक एंड इंस्टाग्राम पे करे फॉलो, लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, उसको चैट कर देना। भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। थैंक यू।